हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं गुंजन। तो मेरे व्लॉग की सुबह में ही स्टार्टिंग हो जाती है, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग। तो यहां पे नाश्ता रेडी कर दिया है, मैं कभी उठा नहीं है तो इसलिए पहले रूही को ही दे देती हूँ। मैंने सोचा, लेकिन यहाँ आके देखा रूही कमरे में थी ही नहीं, वो बाहर गई हुई है निकल के। तो अभी आएगी तो नाश्ता कर लेगी। मैंने उसको आवाज़ लगा दी है, फिर उनको रेडी करके स्कूल भेज दिया है। महेंद्र ऑफिस निकल गए हैं, उसके बाद मैं ले आई हूँ अपने लिए नाश्ता। तो आज वैसे भी नाश्ता समझ लो या लंच समझ लो, उसमें बनाए थे हमने आलू के पराठे। आलू के पराठे ना बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और दही के साथ तो खासकर उन्हें पराठे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी की भी पूजा हो चुकी है, वो भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, और हमारी दिनचर्या ऐसे शुरू होती है। फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है अभी 1:30 दिन के, और अच्छा खासा मौसम है, ना बहुत तेज़ धूप है ना बहुत हल्की है, बढ़िया है। मतलब ना गर्मी है ना ठंडा सा है, बीच का मौसम है, थोड़ी सी उमस है पर ठीक है। और ये तो इसका तो एग्ज़ाम पहले ही छूट गया था 12 बजे के समथिंग। तो खाना पीना खाती रूही को लेने निकल के 1 बजे के करीब, और मैं कपड़े वपड़े धोने में लग गई थी, फिर उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन साफ़ करने लग गई थी। ये ले आया रूही को, और इसे ले आया है ये, इसने चेंज वेंज कर लिया है और खाना खा रही है। आज इनके फेवरेट बने आलू के परौठे, दही के साथ खा रही। देखो कितने चाव से, थू 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 नजर ना लगे, है ना। लेकिन आते के साथ ही दोनों झगड़ लिए, मैं काम में बिजी थी और दोनों के दोनों झगड़ लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तो बस यही है, अभी थोड़ा आराम करेंगे। और काम करने से पहले ही मैंने ना 12 बजे से पहले वीडियो एडिट करके ब्लॉग जो है डाल दिया है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहे होंगे हमारे ब्लॉग, और शॉर्ट्स भी मैंने बना लिए थे, तो शॉर्ट भी डालूंगी अभी थोड़ी देर में, 2 बजे के आसपास शॉर्ट डालूंगी मैं। और आप शॉर्ट देखा करो और कमेंट भी किया करो, कमेंट करने के पैसे नहीं लगते गाइस, अगर किसी को नहीं पता हो तो उन्हें बता रही हूँ। अब वैसे तो आजकल सबको ही पता होती है, कमेंट करने के कोई पैसे चार्ज नहीं होते, है ना। तो फनी फनी शॉर्ट्स डालते हैं हम, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे भी लगते होंगे। लेकिन आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो, लाइक तो कर देते हो शॉर्ट्स को लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, ठीक है। इससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा करने की कोशिश। गाइस, मेरी हालत पे मत जाना, 2 दिन से मेरे को जुकाम है और आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जिसकी वजह से ना मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी जैसे फीवर फीवर हो गई है। मेरी सेवा कर रहा है, मुझे लगी थी भूख, क्या लेके आया है, दूध और कॉर्नफ्लेक्स लेके आया मेरे लिए, थैंक यू। अभी मैं कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगी और फिर दवाई खाऊंगी, और ग्रॉसरी आ गई है निकालूंगी उसको। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पढ़ाई कर ली। पढ़ाई कर ली, और उधम उससे डबल कर रहा है। नहीं, तो मैं काम कर रहा है, हमें दे रहा है नाश्ता शाम को, नीचे बैठ जा खिला देगी। ठाकुर जी को भी दे दिया दूध सबसे पहले, ये देखो मुझे भी दे दिया, इसे भी दे दिया। तूने नहीं लिया ना? क्यों? मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा? क्या मन कर रहा है? पिज्जा खाने का? फोन देखो। खून? फोन। हाँ दिखवाओ। पिज्जा खाने का मन है, पिज्जा मंगवा दोगे? नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। पूछ क्यों रहे थे फिर? ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए। अपना मन बहला रही थी कि अच्छा हो जाए तो काम कर लूं कुछ, है कि नहीं। ब्लैक ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, ब्लैक ही। पता, हमने बचपन में एक कुत्ता पाला था, मतलब फीमेल डॉग थी वो, उसका नाम ब्लैक ही रख दिया था क्योंकि वो बिल्कुल काला था। और उसे घर से निकाला क्यों पता है? वो सबके जूते चप्पल चबा गया था, नए पुराने, वॉशरूम वाले भी, स्कूल वाले भी, सारे चबा गया। तो उसको निकाल दिया फिर, मतलब निकाल के दिया उसको, ऐसी जगह छोड़ के आया कि जहाँ उसे खाना पानी मिलता रहे, पल जाए वो अच्छे से। कुछ कहना चाहती हूँ? तो यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको दिखाया ही कि मैंने नाश्ता दिया था शाम को, वो खा के थोड़ा सा रेस्ट करके, दवाई खाई थी उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था, फिर लगा हाँ शरीर में जान आ गई है तो चलो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रॉसरी आई थी उसको निकाल रही हूँ मैं,
और पहले सारे डब्बे साफ़ कर लिए थे जिनमें दाल रखनी थी। तो दो तीन तरह की दाल मंगा के रखती हूँ मैं, बार बार बाज़ार चक्कर ना लगाना पड़े इसलिए। और देखो इकट्ठा सामान मंगाने से ना थोड़ा फ़ायदा भी हो जाता है, एक तो मनी सेविंग हो जाती है, एक टाइम सेविंग हो जाती है ना, और बार बार की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है कि अभी ये ख़त्म हो रहा है, अभी वो ख़त्म हो रहा है, तुरंत मार्केट जाओ, तुरंत लेके आओ, इन सब चीज़ों से ना छुटकारा सा मिल जाता है, तो माइंड भी फ्रेश रहता है, टेंशन फ्री रहता है ना, और बच्चों के लिए भी ठीक रहता है, बच्चों को भी चीज़ टाइम पर मिल जाती है सारी चीज़ें। जब मेरे को फ़ीवर सा लगने लगा ना जुकाम की वजह से, तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कैसे तो काम होगा, कैसे क्या करूँगी, कैसे सामान निकाल के रखूँगी, कहीं ऐसा ना हो एक दो दिन यूं ही पड़ा रहे सामान, एक चुहिया और आ गई है घर में, कहीं ऐसा ना हो वो सारी थैलियाँ कुतर डाले दाल की और दाल बिखर जाए, मेरी सारी मिक्स हो जाए एक दूसरे में, तो ये टेंशन मुझे अलग हो रही थी। तो फिर मैंने दवाई तुरंत खा ली थी और रेस्ट कर लिया था, इस वजह से मेरे को आराम हो गया, और आराम हो गया तो मैंने तुरंत काम करना ही ठीक समझा, जिससे ना शरीर में फुर्ती बनी रहे, गर्मी बनी रहे, तो मैंने फिर तुरंत झटपट है ना जल्दी से सारा काम कर लिया, जो कि सही भी था, क्योंकि फिर मैं आलस कर जाती ना तो वो काम हो नहीं पाता, पता है आलस में सारे काम छूट जाते हैं, तो फिर वो यूं ही पड़े रहते हैं, और मेरे अलावा करने वाला कोई है ही नहीं, जिससे मैं सोचूं कि हाँ भाई मैं नहीं कर रही तो कोई बात नहीं कोई और कर लेगा, करने तो मुझे ही हैं, चाहे कैसे भी करूँ, अभी करूँ या बाद में करूँ, तो मैंने तुरंत करना ही ठीक समझा। और मैं यहाँ पे ना अपने बच्चों की भी तारीफ़ करूँगी, देखो मेरे बच्चे कितने छोटे हैं लेकिन समझदार बहुत हो गए हैं, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मयंक ने देखो कितना हेल्प किया मेरे को, और रूही ने भी कल शांति बना के रखी, इस चीज़ की तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। सामान तो मैंने निकाल के रख दिया, जैसे दालें हो गई, नमक हो गया, और क्योंकि दूध भी गर्म कर रही थी मैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि सामान निकाल ही देती हूँ, क्रॉसरी तो आ गई है, थोड़ा सा रह गया है, ये सामान नीचे डब्बे में रखा जाएगा, इसी वजह से तो थोड़ा सा सामान रह गया है, और बाकी तो सब मैंने ये रख ही दिया है, सेट कर दिया। तो ग्रॉसरी निकालने के बाद मैंने देखा रूही तो अपना सीरियल देख रही थी, राधा कृष्णा वाला, तो मैंने सोचा चलो अब खाना बना लेते हैं, थोड़ा लेट तो हो गए लेकिन कोई नहीं, तो सुबह जो पराठे बनाए थे तब मैंने थोड़े से आलू बचा के रख लिए थे कि शाम को सब्जी बना लेंगे, तो आलू टमाटर की रसेदार सब्ज़ी बनाई थी, और यहाँ पर ना मैंने मिर्च टमाटर प्याज को छोंक के चटनी बनाते हैं ना, तो वो बना के रखी हुई थी, तो वो भी थी, तो इतना तो काफ़ी था शाम के वक्त में, क्योंकि अगर और कुछ बनाती तो वो बिगड़ता ही। और यहाँ पे मयंक को आके देखा तो रूम में वो वही देख रहा था अपनी डांस क्लासेस के किस चैनल पे, यूट्यूब के किस चैनल पे अच्छा डांस सिखाते हैं, तो उसी से वही जाके पूछ रही थी। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन, उम्मीद करेंगे कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट करके ज़रूर बताना।